नमस्कार, हिमाचल अभी अभी .com से मैं दिव्या पेश हैं आज के मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री सहजल ने माना, हिमाचल में सामुदायिक प्रसार की प्राथमिक अवस्था में कोरोना वायरस। आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग पर भड़का विपक्ष, नोकझोंक के बाद 25 मिनट देरी से शुरू हुआ प्रश्नकाल। कोरोना काल में निजी स्कूलों की फीस को लेकर सदन में शिक्षा मंत्री ने दिया जवाब, फीस नहीं की थी कम। जयराम बोले, प्रियंका गांधी का मकान तोड़ने की मांग से सहमत नहीं, सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी। मंडी के 63 मामलों सहित हिमाचल में आज अभी तक 148 पॉजिटिव, 59 हुए ठीक। जल शक्ति विभाग में जेई सिविल और यांत्रिक के पदोन्नति नियमों में बदलाव की तैयारी। कंगना की मां आशा रणौत बोली, हम कांग्रेसी थे पर मोदी सरकार से मिली मदद के बाद बीजेपी समर्थक हो गए। कंगना के समर्थन में बीजेपी का प्रदर्शन, करणी सेना ने संजय राउत का पुतला जलाया। परौर में जीप के साथ टक्कर में बाइक सवार की मौत। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में कोरोना वायरस सामुदायिक प्रसार की प्राथमिक अवस्था में है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि हिमाचल में कोरोना लगातार बढ़ रहा है, जो सभी के लिए चिंता का विषय है। सामाजिक दूरी और मास्क का सही इस्तेमाल किए जाने से भी अभी इससे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा हिमाचल की स्थिति ठीक है। हिमाचल में कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है, वे पहले किसी अन्य बीमारी से पीड़ित थे। हिमाचल में कोरोना जागरूक नियमों में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। ये बात सही है कि लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इससे भी कोरोना को बढ़ावा मिल रहा है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के बाद बुधवार को दिए गए सीएम जयराम के जवाब पर कांग्रेस विधायकों ने गुरुवार सुबह प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही हंगामा कर दिया। विपक्ष ने सीएम पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम ने विपक्ष के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से इन शब्दों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग उठाई। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने रिकॉर्ड की जांच के बाद इस बाबत फैसला लेने का आश्वासन दिया। करीब 25 मिनट पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीएम ने विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। सीएम ने कहा कि अगले जन्म में भी विपक्ष के सदस्य ताली बजाते हुए पैदा हों, विपक्ष को बेशरम कहा। विपक्ष ने कभी वेतन काटने को लेकर नाराजगी नहीं जताई। उन्होंने विधायक निधि को लेकर बात उठाई थी। इस पर सीएम बोले, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर विधानसभा ने चर्चा को स्वीकार किया। चर्चा हो रही थी तो हमने सारी बात सुनी। ऐसे शब्द कई बार वहां से कहे गए जो उचित नहीं थे। सारी चर्चा के बाद जवाब दिया जाना था। वहां से नारेबाजी हो रही थी, गलत शब्दों का चयन किया, बाधा करने को तालियां बजाने लगे। हमने कहा कि अगले जन्म में भी खुशी में पैदा हो। किसी परिवार में बच्चा पैदा होता है तो खुशियां मनाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड व CBSE से एफिलिएटेड निजी स्कूलों की कोरोना काल में प्रदेश सरकार की ओर से फीस कम नहीं की गई थी। निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के अतिरिक्त छात्रों व अभिभावकों से किसी भी प्रकार की फीस वसूल न करने, ट्यूशन फीस त्रैमासिक आधार पर जमा न करके केवल मासिक आधार पर एकत्र करने, शिक्षण शुल्क केवल उन वर्गों से लेने जिन्हें ऑनलाइन शिक्षण सामग्री कक्षाएं प्रदान की गई हैं, के निर्देश दिए गए थे। ट्यूशन फीस में कोई वृद्धि ना करने और ट्यूशन शुल्क में किसी भी अन्य शुल्क, छिपे हुए शुल्क को नहीं जोड़ने, लॉकडाउन की अवधि के दौरान परिवहन शुल्क ना लेने, किसी भी छात्र को लॉकडाउन में उत्पन्न वित्तीय संकट के कारण शुल्क का भुगतान ना करने पर ऑनलाइन कक्षाओं, पठन सामग्री से वंचित ना करने के भी निर्देश जारी किए गए थे। किसी अभिभावक द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान ट्यूशन फीस जमा न करने की स्थिति में जुर्माना न लगाने और छात्रों का नाम स्कूल रोल से नहीं हटाए जाने के निर्देश दिए गए थे। ये जानकारी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नालागढ़ के विधायक लखविंदर सिंह राणा के लिखित सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने दी। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस में की गई तोड़फोड़ के बाद शिमला में प्रियंका गांधी वाड्रा के घर को तोड़ने की भी मांग उठने लगी थी, जिस पर सीएम जयराम ठाकुर ने आज विराम लगा दिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की वे कड़ी निंदा करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जो किया वे गलत है, जिसके खिलाफ देश भर में गुस्सा है, लेकिन हिमाचल बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष का वह बयान जिसमें प्रियंका के घर को तोड़ने की बात कही गई है,
वे भी पूरी तरह से गलत है। जयराम ने कहा कि ये बयान भावावेश में दिया गया है जो कि पूरी तरह से गलत है। महाराष्ट्र सरकार ने जो किया वो गलत है, लेकिन शिमला में प्रियंका के घर को तोड़ने की बात करना भी गलत है। प्रियंका का हिमाचल के शिमला में घर है जिसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में कोरोना के आज 148 नए मामले सामने आए हैं। इसमें मंडी में 63, शिमला में 34, कांगड़ा में 13, किन्नौर व सिरमौर में 12-12, बिलासपुर में 9, कुल्लू में 4 व चंबा में 1 मामला सामने आया है। वहीं आज 59 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। इसमें ऊना में 21, हमीरपुर में 16, शिमला में 14, कांगड़ा में 4 व बिलासपुर और चंबा में 1-1 ठीक हुआ है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 8295 पहुँच गया है। अभी 2576 एक्टिव केस हैं। अब तक 5649 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना मृत्यु का आंकड़ा 61 है। हिमाचल में आज अब तक 2391 कोरोना सैंपल जांच को आए हैं। इसमें 522 नेगेटिव रहे हैं। 1841 की रिपोर्ट आनी बाकी है। आज के सैंपल में से 28 ही पॉजिटिव मामले हैं। पिछले कल के 465 सैंपल की रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। हिमाचल में अब तक 238,022 कोरोना सैंपल जांच को लिए जा चुके हैं। इसमें से 227,421 सैंपल अब तक नेगेटिव रहे हैं। जल शक्ति विभाग में कनिष्ठ अभियंता सिविल व यांत्रिक के पदोन्नति नियमों में बदलाव का मामला सरकार के विचाराधीन है। ये जानकारी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में श्री रेणुका जी विधायक विनय कुमार के सवाल के जवाब में दी गयी। जानकारी दी गई कि जल शक्ति विभाग में कार्यरत 105 कार्य निरीक्षकों को कनिष्ठ अभियंता सिविल और 2 कार्य निरीक्षकों को कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक के पद पर पदोन्नति दी गई है। वर्तमान में कार्य निरीक्षकों की कनिष्ठ अभियंता सिविल व यांत्रिक के पद पर पदोन्नति पुराने नियमों के तहत समय समय पर पदों की उपलब्धता के आधार पर की जा रही है। जल शक्ति विभाग में कनिष्ठ अभियंता के दोनों खंडों के नियमों में बदलाव का मामला विचाराधीन है। लोक निर्माण एवं जल शक्ति विभाग में कार्य निरीक्षकों की भर्ती एवं पदोन्नति नियम भिन्न है, क्योंकि दोनों ही विभाग अलग हैं तथा प्रत्येक विभाग की कार्यशैली तथा कर्तव्य व उत्तरदायित्व भी भिन्न भिन्न है। सरकार की ओर से कंगना को वाई प्लस सिक्योरिटी देने और जयराम सरकार द्वारा सुरक्षा देने के बाद हम बीजेपी के हो गए हैं। ये बात कंगना की माँ आशा रनौत ने आज उनके घर पर मिलने आए बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से बात करते हुए कही। गुरुवार को बीजेपी नेता और कार्यकर्ता हिमाचल के मंडी जिला में भांबला स्थित कंगना के पैतृक घर पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कंगना की मां से मुलाकात की और उन्हें मिले और उन्हें भरोसा दिलाया कि पूरा देश कंगना के साथ है और उन्हें जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। कंगना की मां आशा रनौत ने कहा कि उनका परिवार वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़ा था, लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य में उनकी मदद बीजेपी की मोदी सरकार ने की है, इसलिए वे पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम जयराम ठाकुर का आभार जताना चाहती हैं। हिमाचल की बेटी और पद्मश्री कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई में बीएमसी की कार्रवाई से प्रदेश के लोगों में भारी गुस्सा है। गुरुवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत अन्य संगठनों ने उद्धव सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए। पूर्व सैनिक भी कंगना के समर्थन में उतर आए हैं। मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर और शिमला जिले में कंगना के समर्थन में रैलियां निकाली गई और उद्धव ठाकरे के पुतले फूंके गए।
पीएम नरेंद्र मोदी को भी ज्ञापन भेजे गए। करणी सेना की जिला बिलासपुर इकाई ने जिला मुख्यालय के चंपा पार्क के पास प्रदेश संगठन महामंत्री शशि शर्मा के नेतृत्व में विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान मुंबई में कंगना का दफ्तर तोड़ने के विरोध में महाराष्ट्र सरकार, सीएम उद्धव ठाकरे, प्रवक्ता संजय राउत और शिवसेना का पुतला फूंका गया। ऊना जिले में भी कई जगह बीजेपी विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे का पुतला जलाया। गगरेट में भी भाजपाइयों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मंडी पठानकोट एनएच पर परौर के पास सुबह एक बाइक सवार की जीप की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। मोहित कुमार जोगिंदर नगर के हराबाग स्थित अपने घर से करीब 7:30 बजे सुबह बाइक पर सवार होकर कांगड़ा के लिए निकला था। युवक की 2 साल पहले शादी हुई थी, वह घर में पत्नी और 10 माह का बच्चा है। युवक के पिता वेद प्रकाश पूर्व सैनिक है। बताया जा रहा है कि मोहित कुमार इकलौता था। मोहित की मौत के बाद परिवार सहित गांव में शोक का माहौल है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।